वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज में ये सॉल्व पेपर है 2012 का, जो फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था, जो इसका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था पेपर टू, तो मैं आज उसकी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि मैम आप हमें ये मैथमेटिक्स और साइंस वाला जो सेक्शन है, मेनली साइंस जो है उसका पेपर सॉल्व करके दें हमें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो सीटेट का एग्ज़ाम जो है क्लियर करना चाहता है, और जिन्होंने सोचा है कि केवीएस या एनवीएससी या किसी भी सेंट्रल स्कूल में जॉब करनी है। तो और साथ ही साथ फ्रेंड्स, क्योंकि ये साइंस के क्वेश्चन है तो ज़रूरी नहीं कि साइंस के क्वेश्चन है तो सिर्फ सीटेट के लिए ही एलिजिबल हैं या कुछ, ये साइंस के क्वेश्चन है तो कोई भी ये वीडियो देख सकता है जो साइंस रिलेटेड स्टूडेंट है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरे अगर आपने चैनल देखा हो तो बहुत सारी वीडियो मैं डाल रखी हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं साइंस एक्सरसाइज इसका। इसमें सबसे पहला ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन मेनली पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड प्रॉब्लम। अब ओपन एंड क्या होता है? ओपन एंड होता है जिसके कोई भी क्वेश्चन जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं उसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड। अब जैसे फर्स्ट है फाइंड द क्यूब ऑफ 10, ऑब्वियस क्यूब, हमें क्यूब भी बोला इसने, क्यूब के अलावा कुछ नहीं बोला। सेकंड है राइट एनी फाइव नंबर हुज क्यूब इज़ मोर देन 64। अब इसका आंसर ये है क्योंकि फाइव नंबर कोई भी हो सकते हैं जिसका क्यूब जो है 64 से ज़्यादा हो। अब थर्ड देखिए, प्रेक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, हाउ मैनी, ये इन्होंने पूछे कितने क्यूबॉइड्स हैं, ऑब्वियस है कोई डेफिनेट नंबर ही है। नेक्स्ट है फाइंड द क्यूब रूट, इसका भी क्यूब रूट पूछा है, तो इसका आंसर है ये फाइव नंबर वाला, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर हम दे सकते हैं जिसके 64 से ज़्यादा क्यूब हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये जो है इसका आंसर क्या है? फर्स्ट है इसका ऑप्शन एयर फिल्ड बैलून, ये भी नहीं है। सेकंड ब्रास है, वो भी नहीं है। थर्ड स्टेनलेस स्टील है, वो भी नहीं है। इसका आंसर है आयोडेस्ट टेबल सॉल्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मेनली हमारे पास होता है सोडियम, क्लोरीन और आयोडीन, ये तीनों का मिक्सचर है जब आयोडीन सॉल्ट बनता है ना। थर्ड क्वेश्चन है अ मैग्नेट इज रोल्ड इन ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, इट इज़ ऑब्जर्व दैट। अब फर्स्ट पूछा है आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टर टू द नॉर्थ पोल एंड साउथ इज साउथ पोल, सल्फर इज साउथ पोल। सेकंड पूछा है आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टर टू द साउथ एंड सल्फर टू द नॉर्थ। फोर्थ थर्ड पूछा है ओनली द आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टर इक्वली टू बोथ पोल ऑफ मैग्नेट। एंड फोर्थ है आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टर टू बोथ पोल एंड सिल्वर सल्फर सीलिंग इन द मिडल ऑफ। तब इसका आंसर है आयरन फिलिंग, क्योंकि आपको पता है जो मैग्नेट होता है वो अट्रैक्ट करता है मेनली जो लोहे की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ओनली सिर्फ आयरन फिलिंग ही अट्रैक्ट होगी, सल्फर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू आर आस्क टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए वैलिड पेंटिंग ऑन द वॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल डिवाइस वुड यू सिलेक्ट फॉर दिस पर्पज। तो इसका मेनली आंसर है कन्वेक्स लेंस, और इसके साथ कन्वेक्स लेंस या फिर कनकेव मिरर, ये दो इसके आएंगे, दोनों ऑप्शन ये करेक्ट होंगे, या तो कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस। अब फोर्थ क्वेश्चन है इन्होंने, अब ये फोर्थ क्वेश्चन मेनली पूछा गया है, दो तीन बार पूछा गया है ओडोमीटर। विच ऑफ द इन द फॉलोइंग टेबल रीडिंग एन ओडोमीटर एट डिफरेंट टाइम ऑफ जर्नी आर गिवन। ये इन्होंने टाइम दे रखा है, ये इन्होंने ओडोमीटर रीडिंग दे रखी है। अब पूछा था स्पीड ऑफ द व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल क्या होगा? अगर हम इस टाइम को ध्यान से देखें तो हर टाइम के बीच में हाफ एन आवर का गैप है, यहाँ 9 से 9:30, 9:30 से 10 हाफ का गैप है। अगर हम इस ओडोमीटर की स्पीड को देखें जो किलोमीटर में दे रखी है, तो ये सारा 18 किलोमीटर का हमारे पास डिस्टेंस है। तो हम अब इसको ही सॉल्व कर लेंगे, स्पीड हमें बोली है ज्ञात करने के लिए। अब हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर हम डिस्टेंस देखें
हमारे पास आ रहा है 18 किलोमीटर, ठीक है, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम जब इसको मीटर में चेंज करेंगे 18,000 बन गया। टाइम हमारे पास हाफ एन आवर, अगर हम इसको सेकंड में चेंज करें तो 1800 बन गया। तो बस उसी को डिवाइड कर लीजिए, डिस्टेंस हम ले लिया 18,000, टाइम ले लिया 1800, ये बन गया 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 आंसर, ठीक है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम इज स्लाइडिंग ऑन द स्मूथ फ्रिक्शन लेस हॉरिजेंटल सरफेस विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग द सेम वेलोसिटी इज, अब इसमें फोर्स पूछा है हमारे पास। तो अगर आपने देखा होगा फोर्स होता क्या है, फोर्स होता है हमारे पास मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन को देखें, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, वो होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। तो हमने क्या दिया है, हमारे पास मास दे रखा है, ऊपर वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। तो हमने वही फॉर्मूला लगा के एफ इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए, एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी ओवर टाइम वो ले लिया हमने 5। अब मास दे रखा है 5 मल्टीप्लाई वेलोसिटी दे रखी है 10, टाइम इन्होंने दे नहीं रखा, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 50। तो इसका आंसर आएगा 50 न्यूटन, ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। कौन कौन से पार्ट होते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ऑबियस है माउथ है, ओएसोफेगस, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन तो है मैक्सिमम हर पेपर में ही पूछा गया है, तो ये तो पता ही होता है वैसे, बट कई बार माइंड से स्किप कर जाता है तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है, आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज वी सम टाइम गेट मसल क्रैम्प्स, किसकी वजह से होते हैं। ऑब्वियस है हमें ये 7th-8th की बुक में भी है कि जब मसल क्रैप्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू लैक्टिक एसिड। तो इसका आंसर है कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू लैक्टिक एसिड। नो नेक्स्ट है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ हैविंग करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन जो डाइजेस्टिव फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ऑब्वियस है फूड पाइप का कोई काम नहीं है, बकल कैविटी का कोई काम नहीं है, रेक्टम का कोई काम नहीं है, ये कोई भी जो है डाइजेस्टिव फंक्शन में हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट है, द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल विच रिसीव्स बाइल जूस, अब हमें पता है बाइल जूस जो कौन सा क्रिएट करता है, लीवर, और स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। तो जो रिसीव करता है वो क्या है, पैनक्रियाज है। नेक्स्ट है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड, अब हमें पता है सबसे पहले इंजेशन होती है, फिर डाइजेशन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो ये मेनली हमारे पास ये प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विलाई, अब हमें पता है ये जो है इससे रिलेटेड हमें ये, क्योंकि ये जो है अब्सॉर्ब करता है डाइजेस्टिव फूड को, ठीक है। तो ये इसके इसके स्टेटमेंट कौन कौन सी करेक्ट है, ये है ए, वी और सी, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। सेकेंड है, दे हैव ए थिन फोल एंड दे हैव ए स्मॉल पोर थ्रू विच फूड कैन ईजली पास, सॉरी इसका ए सी और ये है ए, ए फिंगर लाइक है, थिन वाल नहीं होती है, सी है इसका, स्मॉल पोर होते हैं, और ये है डी, ए सी एंड डी, यहाँ पे कोई ये थर्ड, ए सी एंड डी है, ये नहीं है इसका आंसर, ये है ए सी एंड डी, ठीक है। ये क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वही होता है जिसके थ्रू जो है फूड अपना भोजन जो है खुद जो प्लांट्स हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ऑब्वियस उसमें सोलर सूरज हाँ क्या क्या चाहिए होता है, तो वो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, अगर उसकी रिएक्शन आप देखें तो उसमें सनलाइट चाहिए होती है, हमें क्लोरोफिल चाहिए होता है। तो ये दोनों की दोनों इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है कि सोलर एनर्जी सूरज की एनर्जी का उपयोग होता है, जो सूर्य एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और सेकंड फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ होता है, ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है, बिफोर प्लेइंग ए सितार सितारिस्ट ऑलवेज एडजस्ट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सितार एंड ट्राई टू प्लक इट स्टेबली बाय डूइंग सो द सितारिस्ट एडजस्ट द, अब आपने देखा जब कोई सितार बजाता है तो सबसे पहले वो
अपने जो स्टारिस्ट है उसको एडजस्ट करता है। क्या एडजस्ट कर रहा होता है? उसकी पिच ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द स्टार को, सितार सॉरी, उसको एडजस्ट कर रहा होता है, पिच को एडजस्ट, मेनली पिच। नेक्स्ट है पॉटर हु कैरी हैवी लगेज ऑलवेज हैव ए लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ विद देम बिफोर कैरिंग द लोड ऑन देयर हेड्स दे फोल्ड द क्लॉथ इन द शेप ऑफ द राउंड डिस्क एंड प्लेस इट ऑन देयर हेड बाई डूइंग दिस सो दे। अब आपने देखा होगा पोर्टर होते क्या हैं, कुली होते हैं जो सामान उठाते हैं सिर पे। अगर आपने देखा होगा ये कुली हो या कोई भी, जैसे गाँव की महिला होती हैं वो सिर पे भार उठा के जाती हैं, ये पानी कहीं से कुएं से लेके आते हैं, तो ऑब्वियस है उन्होंने एक कपड़ा लिया होता है जिसका वो रोल करके अपने सिर पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जब आप वो सिर पे रखते हैं उसकी वजह से एरिया जो है इंक्रीज, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो जाता है, एरिया ऑफ इन कॉन्टैक्ट इंक्रीज होता है जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, उनको भार कम फील होता है। अगर आप कभी भी अगर इस क्वेश्चन को समझना है तो आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो। कोई बर्तन लीजिए सर पे, थोड़ा बर्तन जिसमें कुछ भरा हो, मतलब भारी हो, उसको सर पे ऐसे ही उठा के देखिए तो आपको बहुत भार लगेगा। अगर आप कोई कपड़ा लपेट के सिर पे रखेंगे रोल करके तो आपको भार कम लगेगा, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर जो है डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ए सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी इज़ एसेंशियल, द स्ट्रैटेजी शुड इन्वॉल्व, क्या होना चाहिए? प्रोटेक्शन ऑफ हर्बिवोर्स कंज्यूमर, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, ये तो हर्बिवोर्स कंज्यूमर्स के बारे में बताया। फॉरेस्ट के बारे में ये बताया कि कोई प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसके फिजिकली और बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो है फॉरेस्ट को वो सेव हो सके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है सम डायनासोर्स हैव फीदर्स ऑल्दो दे कुड नॉट फ्लाई बट बर्ड्स हैव फीदर दे हेल्प दैट हेल्प देम टू फ्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन दिस मीन्स दैट। अब इसका आंसर ये है कि फीदर्स जो है होमोलोगस स्ट्रक्चर है, होमोलोगस होते हैं सिमिलर ही, फिजिकल स्ट्रक्चर में सिमिलर है बट उनका फंक्शन सिमिलर है, तो उनका ये होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं जो डायनासोर और फीदर जो वर्ड्स में पाए जाते हैं। मीन्स इन दोनों के फीदर तो सेम है बट स्ट्रक्चरली फंक्शनली डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली सिमिलर है फंक्शनली थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी इज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस एनर्जी द मोस्ट फिजिबल रीजन आर दोज दैट आर ओवर हॉट स्पॉट इन द क्रस्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ थ्री मेटल विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट, तो इसका मेनली आंसर है सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनियम, देर आर ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। नेक्स्ट है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, अब ये रिएक्शन दे रखी है, अब ये बोल रहे हैं कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, तो ऑब्वियस है हमें अगर रिएक्शन, अगर आपने रिएक्टिविटी देखी होगी तो आपको पता है मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो रिप्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को, तो ऑब्वियस है यहाँ पे तो अगर हम इसकी बात करें आयरन और जिंक की, तो यहाँ पे लेस मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस करेगा लेस को, तो ऑब्वियस है जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। अगर आप देखें ये एल्युमिनियम जिंक आयरन कॉपर, तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो जिंक जो है यहाँ से डिस्प्लेस करके ये बना देगा जिंक सल्फेट प्लस आयरन, ठीक है। सिमिलरली कॉपर सल्फेट का आयरन का भी